थैंक यू सो मच। ये है राजशमानी क्लिप्स चैनल, इसे सब्सक्राइब कर लो अगर आप ऐसी और क्लिप्स देखना चाहते हैं जो आपको एक बेहतर लीडर बनने में हेल्प करती है। ओके, कैसा पार्टनर चाहिए होना ये बताओ, इस पे थोड़ा सा बता दो। मैंने इस बारे में बात करी है, मैंने कहा है साहब कि जिसके साथ चुप बैठा रहूं मैं बात करने का काम करता हूं, मुझे और बात नहीं करनी बस। और कोई ऐसे 2-3 चेकलिस्ट नहीं होती आजकल, लोग सब चेकलिस्ट बनाते हैं ना। एक चेकलिस्ट नहीं है भाई, आप देखो इंसान, सब लड़कियों को बताना चाहता हूँ, सब लड़के 90% सेम होते हैं, 10% का खेल है आप देख लो कौन सा चाहिए आपको। सब लड़कियाँ भी 90% सेम होती, 10% इंसान अपना कलर लेके आता है वो उसका कलर है, ठीक है, तो उसके लिए वो वेरिएबल है, 90% तो कॉन्स्टेंट। अगर आप एक कालखंड में बड़े हो, एक आपका अगर मान लो एरा है, उम्र का स्लैब है आपका, आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट तो सेम ही रहेगा। True. आपने भी वही देखा, मैंने भी वही देखा, आपने भी वो फिल्म नहीं, मैंने भी वो देखी है ना, मतलब वो सेम ही है, आपको मालूम है वो सब ना। तो और आप अगर सेम फाइनेंशियल स्लैब से आते हो, ठीक है, तो इम्पॉसिबल है, इसमें रिलीजन का कुछ लेना देना नहीं। कानपुर के लोअर मिडिल क्लास की लड़की और मैं इंदौर के मुस्लिम कानपुर की हिंदू फैमिली की लोअर मिडिल क्लास लड़की और मैं मुस्लिम फैमिली का लोअर मिडिल क्लास जाकिर खान, अगर हमारी एज सेम है और हम सेम, तब क्यों, तो हमारा एक्सपीरियंस डिटो सेम है, तो 90% पर्सनैलिटी आपकी ऐसी मैच करती है, तो वो एक बस है, बाकी मेरा कोई चेकलिस्ट वेकलिस्ट नहीं है। बस ये कि मैं इज्जत करता हूँ सबकी, मैं जिससे भी मोहब्बत करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि वो इज्जत से इज्जत रहे, बस रिश्ते में इज्जत होना बहुत ज़रूरी है। बाकी कुछ भी नहीं सोचा कभी ऐसे कि मेरे से बात होनी, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन होना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी, क्या होता है इंटेलेक्चुअल, कैसे डिसाइड होता है, कैसे होता है इंटेलेक्चुअल इंसान, जिससे आप कॉन्स्टेंटली सीख पाओ और खुद सिखा पाओ, उनका अपना जीवन का अनुभव रहा है ना यार, नहीं रहे ऐसे हालात की सीखे उनको कुछ, तो इसके अंदर आप उनको बुली करोगे क्या जी, तो पूछने कोशिश, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये इंटेलिजेंस का जो पूरा आइडिया है कि फलानी इंटेलिजेंट धमकी नहीं है, कैसे इंटेलिजेंट नहीं है, हर इंसान इंटेलिजेंट है भाई साहब। जिस भी इंसान ने इस धरती पर अगर 24 साल जिंदगी गुजारा है ना, बहुत समझदार आदमी है वो, बहुत समझदार औरत है वो, आपको उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं है वो छोड़ दो आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुंदर लड़कियां, उनका जिस तरह का जीवन रहा है उसमें जो उन्होंने सीखा वो आपसे अलग है। आदमी ऐसी सुअर हरकतें करते हैं, ठीक है, कि सबको कीचड़ में लेके आना चाहिए, प्रेसिडेंट का नाम बताओ, अरे उसका लाइफ का कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं है प्रेसिडेंट का काम का यूज उसको, ठीक है। उससे आप उसके जीवन का पूछो, वो बहुत बताएगी आपको, बहुत बताने को है उसके पास भी। आप पूछने वाले सुनने वाले तो बनो भाई पहले, ठीक है, आप अपने मैट्रिक्स पे अपने स्केल पे नहीं जज कर सकते कि फलाना इंटेलिजेंट है और ढिमका बेवकूफ है और ये वो फलाना ढिमका, वो सबका अपना अपना जीवन का कॉन्टेक्स्ट है, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, किसी ने क्या सीखा, किसी ने क्या सीखा, उनसे उनके जीवन का पूछो तो आप। तो इसलिए मुझे इतना इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्ट को लेके मेरा उतना कोई वो नहीं है, बड़ी हेजिमनी है ये तो इंटेलेक्ट की, क्या भाई लिखते भी हैं लोग वो, क्या डेटिंग ऐप सेपियो सेपियोसेक्सुअल क्या बोलते हैं, क्या इंटेलेक्चुअल जो ढूंढ रहे, कभी लाइफ में खुद भी ना सेपियो सेक्चुअल के लायक है वो, ना उन्हें कोई मिला आज तक, लिखने में ही है वो बस। सेपियो सेक्चुअल ही बोलते हैं ना, क्या बात, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या बोलते हैं। एंड वैसे इज लव वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि वो अकेले हैं, उन्हें एक दूसरा कॉन्स्टेंट ढूंढना ही चाहिए, बड़ा प्रेशराइज फील होता है। सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेम में है तो सिक्योर रहिए, नहीं है तो भी सिक्योर रहिए, अपने अपने आप पे काम करते रहिए, प्रेम मिलता रहेगा आपको। जरूरी नहीं है सर दूसरा पार्टनर होना साथ में लाइफ में, मिल जाए तो ये आपकी यात्रा है, जीवन आपका अकेले है, जो साथ दे रहा है उसको भी धन्यवाद, जो नहीं दे रहा है उसको भी धन्यवाद, पर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप पे काम करिए बस। थैंक यू ये क्लिप को एंड तक देखने के लिए। राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको और भी मजेदार इसी तरह की क्लिप्स देखनी है आपकी फीड पे डेली।